हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम साधारण भाग की प्रक्रिया पर ध्यान देंगे। दो अंकों का भाग किस तरीके से करेंगे उस पर ध्यान देंगे, वो सीखेंगे आज हम। सबसे पहले हमें एक नंबर चाहिए जिसे हम भाग देंगे किसी एक नंबर से। जिस नंबर को हम लोग भाग देते हैं उसे कहा जाता है अभाज्य, और जिस नंबर से हम लोग भाग देते हैं उसे कहते हैं हम भाजक। अब हम इस प्रक्रिया द्वारा भाग करने की विधि को सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो किस चीज़ कौन से नंबर को हमको भाग देना है, तो वो नंबर कौन सा है, 32, और भाजक क्या है मेरा जिससे भाग देंगे, वो है 4। अब हम सीखेंगे जो कैसे हम पहाड़ा के माध्यम से इसको हम लोग भाग देंगे। तो इसका जो नियम है वो ये है कि अगर सबसे पहले जब भी हम भाग देने को जाएंगे तो ये 4 से सबसे पहले जो ये पहला अंक है उसे मैं कोशिश करूँगा भाग देने का। तो पहला अंक क्या है, 3। यहाँ भाग तभी पड़ेगा जब यह इसके बराबर हो या इससे बड़ा हो। अगर भाजक से अगर ये छोटा होता है यह अंक तो भाग नहीं पड़ेगा। तो ये कौन सा नंबर है, 3। 3 जो है वो 4 से भाग नहीं जाएगा। तब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 के पास जो नंबर है क्या है, 2, वो ले लेंगे। तो 3 के ऊपर 2 क्या होता है, 30, और 2 32। तो 32 को हम लोग 4 से भाग देंगे। अब हम लोग पहाड़ा के माध्यम से ये देखेंगे कि क्या 32 4 के पहाड़ा में आता है, देखेंगे। तो पहाड़ा हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे 4 का। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32। हम लोग ये देख रहे हैं जो जब 4 को हम लोग 8 बार पहाड़ा में पढ़ रहे हैं तो 32 आ रहा है। इसका मतलब 4 से जो है 32 जो है वो भाग हो रहा है। कितने बार में हो रहा है, 8 बार में। तो उस 8 को हम लोग यहाँ पर ऊपर में 2 के ठीक ऊपर में डालेंगे। इसके बाद कितना आया, 32 आया। तो 32 को भी हम लोग ठीक 32 के नीचे डालेंगे। इसके बाद का जो नियम है वो है, हमको ये ऊपर वाला जो मेरे पास 32 है उससे ये वाले नीचे वाले को भाग करना, हम लोग माइनस करना। तो हम लोग इसको माइनस करेंगे, घटाएंगे, घटा करके देखेंगे जो मुझे क्या मिल रहा है। 2 में से जब 2 गया तो क्या मिला मुझे, 0। और फिर 3 में से जब 3 गया, जब माइनस किया मैंने, तो क्या मिला मुझे, 0। तो मुझे 0 मिला इसका अवशेष। अब मेरा जो आंसर है जो मुझे मूलतः चाहिए था, 32 को जब मैंने 4 से भाग दिया तो मुझे इसका आंसर मिला 8। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं भागफल। ये जो हमें उत्तर मिला है इसको हम लोग कहते हैं भागफल। भागफल कितना आया इसका, 8। और यह जो मुझे नीचे 0 मिला है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भागशेष। यहाँ पर कोई नंबर भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर मेरा जिसे तू या पूर्णता या 32 मेरा 4 से कट गया, फुल्ली डिविजिबल जिसको हम बोलते हैं वो हो गया। इसी कारण से यहाँ पर मेरा भागशेष या शेषफल नहीं बचा। अच्छा, अगर हम अगर एक और दूसरा विधि, दूसरा एक सम को अगर हम लोग करते हैं तो देखेंगे, मेरा जो भाजक है वो मैं 4 ही रहने देता हूँ। इसके बाद मैं एक और नंबर को लेता हूँ, वो नंबर है 1/5, 15। अब मुझे इस 15 को 4 से भाग देना है। तो इस बार मेरा जो भाज्य है वो क्या हो गया, 15, और भाजक हो गया 4। अब मुझे हमें क्या करना है, फिर उसी तरीके से जो पहला जो नंबर है इसको मैं 4 से भाग देने का कोशिश करूँगा। तो यह मुझे उस नियम, वो नियम जो है वो फिर से हमें याद रखना पड़ेगा, जो इसके या तो जो पहला जो नंबर है वो इसके बराबर होना चाहिए या इससे बड़ा होना चाहिए, नहीं तो यह भाग जो है नहीं जाएगा। जिससे तो 1 4 से छोटा है, इसलिए सिर्फ 1 में 4 का भाग नहीं जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद उसके जो बगल वाला नंबर है उसको भी हम 1 के साथ ले लेंगे। तो 1 के साथ क्या है बगल वाला नंबर, 5, तो क्या हो गया, 15। अब 4 को हम लोग 15 से भाग देंगे। फिर उसी तरीके से हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ जो 15 जो है वो इस बार 4 के पहाड़ा में नहीं आ रहा है।
लेकिन हम लोग क्या करेंगे अब, तो चार चौका 16 भी नहीं ले सकते क्योंकि 15 से वो बड़ा हो जाएगा, तो हमें क्या करना होगा जो उससे छोटा है और इसके 15 के सबसे नज़दीक भी वही है चार के पहाड़ा में, क्या है वो नंबर 12। कितने बार में आया, 3 बार में, तो हम लोग इसी 12 को लेंगे। कितने बार में आया वो, 3 बार में आया, 4 3 कितना मिला मुझे, 12। तो यह मुझे मिला। अब मैं क्या करूँगा, फिर से वही घटाऊँगा 15 में से 12 को। तो जब मैं 5 में से 2 घटा रहा हूँ तो मुझे मिलेगा 3, और 1 में से 1 जब मैं घटाऊँगा तो मुझे मिलेगा 0। तो इस बार मैं जब 15 को 4 से भाग दिया तो मेरा भागफल मुझे कितना मिला, 3। लेकिन इस बार मुझे भागशेष या शेषफल भी मिला जो कि कितना है, 3। तो इस प्रकार से हमने भाग की प्रक्रिया को, भाग के दो अलग अलग प्रक्रियाओं को सीखा।